अंधविश्वास बिल्कुल नहीं मानने हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक घर में साइंस की लैब है। बच्चों बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो अंधविश्वास हैं उनसे दूर रहना है। कोई जादू नहीं होता, कोई टोना नहीं होता, बिना कारण के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है। रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक साइंस एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये मेरा कहना नहीं है, जो संविधान इस देश का संचालन कर रहा है उस संविधान में लिखा हुआ है साइंटिफिक टेंपर डेवलप करना। एग्जीक्यूटिव वाइस चेयर एट द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ही इज ऑल्सो अ फेलो ऑफ द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। He was awarded the Padma Shri in 2004 for his contribution to management education. He is a coordinator of Srishti, Society of Research and Initiative for Sustainable Technology and Institutions. He was a speaker at TED Talks India in November 2009. Since 2011, he is an advisor on issues pertaining to innovation, environment and sustainability of Fair Observer, an online magazine covering global issues. Professor Anil Gupta sir has developed courses for students at the Indian Institute of Management Ahmedabad. One of his most popular courses include Shodhyatra, meaning research walk, under which he took management students to different parts of the country to learn from local communities and study their knowledge system. Now, I am handing over stage to Professor Anil Gupta sir. Sir, please. नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मीर भाई, मैं हिंदी में बात करूं? Yes sir. मीर, तो मैं कुछ पहले आपसे सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है खड़े होकर। माइक है ना लोगों के पास, यहाँ पर वॉलंटियर्स है माइक के साथ। तो एक बात बताओ, क्योंकि हमको विज्ञान के बारे में बात करनी है। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जो भी हम काम करते हैं घर में, चाहे कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, उसमें विज्ञान तो है। तो आप बात बताओ कि सब्जी को काट के धोएं अगर या धोकर काटें, कौन सी चीज बेहतर है? क्यों, क्या नुकसान होगा? काट के धोएंगे तो क्या नुकसान होगा? और कोई जवाब? हाँ बोलो बेटे। कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिसके कारण अगर वो वाटर में घुल जाएंगे तो जो मोटी वेजिटेबल खाने का वो तो कम्प्लीट ही नहीं होगा। That's the reason. That's right. क्या नाम तुम्हारा? अर्चना कुमारी। कहाँ से हो? NBS सर। हाँ जगह बताओ। नवोदय विद्यालय बिहार स्टेट। नवोदय कौन सा जिला? गया। गया से, बहुत अच्छा, बच्ची ने बहुत अच्छी बात बोली है। जो असली अमीना एसिड होते हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे, उतना जो पौष्टिकता है उस सब्जी की उतनी कम मिलेगी हमें। ठीक बात है ना? ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं हम कई बार अगर नहीं पूछेंगे तो वैज्ञानिक बनने के स्वप्न हमको नहीं, वैज्ञानिक बनने का स्वप्न हमको नहीं देखना। तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं, कोई भी चीज हो रही है तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ऐसा क्यों करना है, इसका आधार क्या है। हम पूरी तलते हैं ना जब तेल में, तो जब पूरी डालते हैं बेल कर उसको, तो कहाँ जाती है वो कढ़ाई में? बोल बोल। जब पूरी डाला हमने, पूरी को डालेंगे ना तेल के अंदर कढ़ाई में, तो क्या होगा उसके बाद? हाँ बोलो बोलो बोल बोल। नहीं, लेकिन जब वो उसमें, जब तेल में जब वो फूलेगी फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद हम उसे खा सकते? नहीं नहीं, खाएंगे तो बाद में। खाने से पहले जब हम तेल में डालेंगे तो वो नीचे जाती है ना, तेल के कढ़ाई के बीच, कढ़ाई की तली में, और फूल कर वो ऊपर आती है। इसको क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? कोई बच्चा बताए साइंस में जिसने 10 नंबर आए हैं, जिसके 10वीं 11वीं के बच्चों को पता होगा ये पढ़ाया जाता है। बोलो बोलो क्या कंसेप्ट है ये? बोलो बोलो।
गैस भर जाती है ना अंदर। हाँ बोलो बोलो सर। जैसे सर कोई भी बॉडी होती है तो सर अगर उसमें हवा भर जाए तो सर वो ऊपर की तरफ फ्लोट करती है, इसलिए जब पूरी में सर पूरी तेल में चली जाती है तो उसके अंदर हवा भर जाती है, इसलिए सर। लेकिन रिलेशनशिप बताओ, कंसेप्ट बताओ मेरे को। ये तो तुमने बता दिया है तो तुमको मालूम है ये तो बात, लेकिन कंसेप्ट देखो बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। कोई भी बात हम देख रहे हैं ना, उसका जो सिद्धांत है उस बात के अंदर, वो सिद्धांत जरूर पूछना है आपको। अगर नहीं मालूम है तो टीचर से पूछना है कि सिद्धांत क्या है सर इसको। हाँ तुमको ये बताइए कि जो बॉयंसी है ना, मास और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है, कितना साइज है और कितना उसका वेट है ना, तो वो जो उसकी बॉयंसी से वो ऊपर आ गया, पूरी आ गई, तो हमें बॉयंसी का सिद्धांत अब सीखने को मिल गया। हमारे घर में ही लैब है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हर एक घर में साइंस की लैब है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हमारे स्कूल में लैब नहीं है तो हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों, घर में लैब नहीं है? घर में लैब है। कोई भी चीज माँ जो है वो रैंडमली मिलाती है, कितना भी नमक डाल देगी, कितनी मिर्च डाल देगी, ऐसा होता है? हर एक चीज का एक सामग्री का अनुपात होता है, ठीक है? अनुपात माने रेशो होता है। हर एक चीज का एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, हर एक चीज का इंटरवल होता है, अलग अलग साइज। धनिया को हम सब्जी के पकाते वक्त डालते हैं क्या? हरे धनिया को क्यों नहीं डालते हैं? उसका स्वाद खराब हो जाएगा ना सब्जी का। ये सब सवाल हमें पूछने हैं बच्चों, ये सवाल पूछने हैं। कोई भी सवाल अगर आपकी मां को नहीं मालूम है, टीचर से पूछना है। टीचर को नहीं मालूम है तो आपका जोनल सेंटर, जैसे गुजरात में जोनल सेंटर है, वहां पूछना है। वहां भी नहीं मालूम पड़े तो गौतम साहब हमारे साथ बैठे थे, उनको लिखना है कि सर ये सवाल मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है इसका मुझे सही तरीके से। और मैं अध्यापकों से भी अनुरोध करूंगा कि अध्यापक भी जरूरी नहीं है कि हमें सब सवालों का जवाब मालूम हो, लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं मालूम है कह देना चाहिए कि हमको नहीं मालूम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर नरदीपुर में एक महिला ग्राम विद्यापीठ है, मैं वहां एक बार गया बच्चों से मिलने के लिए। मैंने कहा बच्चों ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मुझे नहीं आता। तो बच्चे बड़े चकित हो गए, ऐसे कैसे पता चलेगा आपको प्रोसेस क्या नहीं आता। तो एक लड़की बड़ी शैतान थी, बोली सर ऐसा बताइए, रसोई में एक जगह चीनी रखी है, एक जगह गुड़ रखा है, चीनी पे लाल चीटी आती है, गुड़ पे मकोड़ा आता है, क्यों? सही बात है, जवाब मालूम है किसी को? साइंस का मतलब है छोटी छोटी बातों को देखना और पूछना कि चीटी को क्या देखना है, क्या सुनती है वो, कौन सा कण है, क्या बात है जो उसको चीनी में मिल रही है, गुड़ में नहीं मिल रही, और मकड़े को क्या मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम सब वैज्ञानिक हैं, हम सब यहां पर पीछे जितने बैठे हैं सब वैज्ञानिक हैं, सबके पास लेबोरेटरी है, सबके घर में लैब है कि नहीं? अब कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि मेरे घर में लैब नहीं है? तो इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कभी भी ये महसूस नहीं करना है कि मेरे पास अगर लैब नहीं है। माइक्रोस्कोप भी बच्चे अपने आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे माइक्रोस्कोप? अगर किसी को माइक्रोस्कोप बनाना है, कोई चीज को बड़ा करके देखना है, कैसे देखेंगे? हाँ बोलो बोलो। पानी की बूंद से कर सकते हैं। और अगर ज्यादा देखना है बड़ा चीज तो क्या करेंगे उसके लिए? बोलो 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 बोलो। ड्रॉप तो छोटी चीज दिखने का नहीं। अगर मुझे कोई बड़ी ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या करूँ उसके लिए? कैसे बनाओ माइक्रोस्कोप? ग्लास है या बल्ब है अपने पास, उसमें पानी भर सकता हूँ ना? तो क्या नाम तुम्हारा? फ्रॉम आपके सामने पानी की बूंद में माइक्रोस्कोप देखा, सही है? वी आर ऑल एम्पावर्ड, हम सब सशक्त हैं, हम सबके पास विज्ञान के मूलभूत प्रश्नों को उठाने की क्षमता है। वी आर ऑल एम्पावर्ड टू आस्क बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ साइंस। मैं इस बात को बार बार आपको दोहरा कर समझाऊंगा कि हमें कमजोर नहीं समझना है अपने आप को, हमें किसी कमी को नहीं देखना है कि हमारे पास ये साधन होता तो हम और अच्छा काम कर लेते, साधन होते तो ठीक है अच्छा कर लेते, नहीं साधन है तो हम बनाएंगे साधन अपने, ठीक बात है? और
आप में से कुछ होंगे जो गांव से आए हैं जहां खेती होती है, कुछ होंगे जो शहरों से आए हैं जहां पर आपके पास शायद हो सकता है गाड़ी की जगह हो या नहीं हो, लेकिन सभी लोग एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं अपने घर के अंदर। तो अगर मेरे पास अलग अलग तरह की दालें हैं, दालों को मैं जर्मिनेट कर सकता हूं क्या? कर सकते हैं। दाल को कैसे, कौन सी दाल को कर सकते हैं? हाँ, दाल को नहीं कर सकते। जब तक वो पूरा ग्रेन होती है तब हम उसको जर्मिनेट कर सकते हैं। जब उसको स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ेंगे उसको, दो अलग भागों में विभाजित कर देंगे, तो फिर तो उसका अंकुरण नहीं होगा। लेकिन कौन सी दाल का अंकुरण कौन से पानी में ज्यादा अच्छा होता है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। आप में से कुछ लोग गांव में रहते हैं, गांव में अलग अलग कुएं होते हैं, पहले कुएं होते ना, अभी हैंडपंप है कई जगह पर। तो जब अलग अलग हैंडपंप का पानी, कई बार अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं उसमें, तो गांव वालों को, गांव की बहन बहनों को पता होता था कि भाई अगर हमें तूर दाल को गलाना है या उड़द की दाल को गलाना है तो कौन से कुएं का पानी डालना है जो पानी में जल्दी से गल जाए। मतलब विज्ञान हमारे घर गांव में, हमारे शहर में, हमारे घरों में हमेशा से रहा है, लेकिन हमने उसका निष्पादन नहीं किया, उसको सही तरीके से समझा नहीं। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आप सबसे, कि कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका जवाब हमको नहीं मिल रहा है और उसके लिए हमें कुछ नए आविष्कार करने पड़ते हैं, ठीक बात है? आविष्कार करते हैं, आविष्कार का मतलब समझते हो? हाँ? क्या मतलब होता है आविष्कार का? ऐसी चीज जिसकी जरूरत है लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है, ठीक है? तो साइंस जो है, विज्ञान से तकनीक की जर्नी बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को जब हम अप्लाई करते हैं किसी जगह पर, उसको लागू करते हैं, तो तकनीक पैदा होती है, टेक्नोलॉजी पैदा होती है, टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, विज्ञान उसका आधार बनता है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना कई बार हम लोगों ने, आपने सुना होगा शब्द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत है। टेक्नोलॉजी क्या है? उसका एप्लीकेशन, उसका कार्यान्वयन करना, उसको इस्तेमाल में करके लाना। तो उससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो एक बच्ची थी 8वीं क्लास की, पटना की, बिहार की, शालिनी उसका नाम था। तो उसने देखा कि कई बार उसके पिता, दादाजी जो थे, उनके पास वॉकर था। वॉकर देखा आपने? Yes, sir. जिसको पकड़ के चलते हैं, ऐसा यू शेप का होता है ना, उसको उसके नीचे पहिए भी होते हैं, कई बार पहिए नहीं भी होते हैं, ठीक है? तो वो वॉकर था लेकिन उसमें पहिए नहीं थे, और उसको लेकर उनको सीढ़ी पे चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो क्या करना चाहिए इस समस्या को हल करने के लिए? क्या कहा होगा उसने? कोई अंदाजा बताएगा मुझे? हमें वॉकर का डिजाइन चेंज करना है ताकि सीढ़ी पे चढ़ सके उससे। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? नहीं, व्हील नहीं, हमें सीढ़ी पे चढ़ना है। हाँ, बोलो 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 सर, हम लोग एक उसमें प्लस लगा सकते हैं जिसकी जो विड्थ होगी वो सीढ़ी की विड्थ की होगी। सीढ़ी देखो ऐसा है ना, सीढ़ी पे चढ़ना भी है, सीढ़ी पे उतरना भी है, भूल गए? कोई बात नहीं, कोशिश की तुमने। और कोई बताओ, और कोई बताओ, बच्चा बताएगा। और कोई बच्चा बताए मेरे को, क्या करना है? वॉकर है, दादाजी को चलना है सीढ़ी के ऊपर, लेकिन इसका डिजाइन बदलना है, बताओ कैसे करेंगे? स्प्रिंग से उसका प्रश्न, हाउ कुड यू पुट इट, पुट द वॉकर ऑन द स्टेप, स्टेप है ना, स्टेप की ऊंचाई कम से कम 6 इंच 8 इंच है ना, तो कैसे चलेंगे उसके ऊपर? और सोचो कोई, और कोई तो बताएगा मेरे को, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या करेंगे? कोई पीछे से बोले, बच्चा पीछे बैठे, जो मेरी बात समझ में आ गई? वॉकर है, वॉकर को सीढ़ी पे चढ़ना है, क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए?
उस बच्ची ने आइडिया भेजा और उस आइडिया से समाधान जो निकला वो पूरी दुनिया के लिए काबिल हो गया। मतलब कि अमेरिका में भी ऐसा वर्कर नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था, जापान में भी नहीं था। हाँ बच्चे देख के बता रहे हो क्या? बताओ फिर। सर राम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स वी कैन मेक अ रैंप। लेट नॉट द आंसर। सीढ़ियां हैं, अब मैं सारे घरों की सीढ़ियां को चेंज करके रैंप थोड़ी लगाऊंगा। तो सीढ़ियां हैं, सीढ़िया का जवाब दो। बोलो 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 बोलो, एक लास्ट चांस, जल्दी बताओ। अब कोई भी बोल सकते हैं, टीचर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आपके बारे में। टीचर का जवाब दीजिए मुझे, लेकिन अगर आपने देखा हुआ है पहले तो मत बताइएगा। रेखेल तो नहीं है सर। हाँ, लेकिन उसमें किया जा सकता है कि दो पांव पीछे है, दो पांव आगे है, आगे वाले पांव में पेट की सहायता से छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके उसको हम लोग सीढ़ियों पर चल सकते हैं, फिर एडजस्ट करके उतर भी सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है, फ्रॉम बिहार। दीपक जी धन्यवाद आपका, सही बात है, उसमें पेट नहीं लगाना है लेकिन एडजस्टमेंट ऐसा करना है कि जब आप सीढ़ी पे रखेंगे तो अगला पैर उसका फ्लेक्सिबल होगा, ऊपर हो जाएगा, जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पर उसको हैंडल को छोड़ेंगे क्लच को तो वहाँ लॉक हो जाएगा वो, क्योंकि हाइट तो हर एक सीढ़ी की बदलेगी नहीं ना। तो जब आप जाएंगे तो अगला पैर छोटा हो जाएगा, जब नीचे आएंगे तो अगला पैर बड़ा हो जाएगा। दो सीढ़ी का पैर होना चाहिए ना, कई बार नीचे आएंगे तो। अब ये विचार उसने बनाया नहीं था, उसने शालिनी ने बनाया नहीं था, सिर्फ आइडिया भेजा था दो लाइन का, हमारी टीम ने बनाया है नाथ के अंदर और हनीबी नेटवर्क में बनाया, एक कंपनी को दिया, कंपनी ने उसको लाइसेंस फी दी, रॉयल्टी देती है हर वॉकर के बिकने पर, वो देश की सबसे यंग एंटरप्रेन्योर बन गई, समझ गए आप? और ये डिजाइन पूरी दुनिया में कहीं था ही नहीं, ना इंग्लैंड में ना अमेरिका में। गरीब घर की बच्ची थी, लेकिन गरीब पैसे से हो सकते हैं, दिमाग से कोई गरीब नहीं होता है। बच्चों ध्यान सुना आपने मेरी बात, दिमाग से कोई बच्चा गरीब नहीं होता, ठीक बात है? नहीं आवाज आई मेरे को, ठीक है कि गलत है? तो बच्चों अगर हम अमीर हैं दिमाग से तो हमें वो दिक्कतें दिखनी चाहिए जिनका समाधान हम वैज्ञानिक रूप से विज्ञान की मदद से कर सकते हैं। अगर उसको बनाना है तकनीक के रूप में तो तकनीक के रूप में भी बना सकते हैं, ये संभव है, ये हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चों को हम राष्ट्रपति भवन में लेके गए हैं, वहाँ रहे वो 10 दिन तक राष्ट्रपति जी के मेहमान बनकर, जिन बच्चों ने नए नए समाधान पैदा किए, एक दो नहीं बहुत सारे बच्चे। तो मतलब के बच्चों के पास वो बुद्धि है जो कई बार हमारे पास नहीं होती। अगर ये ज्ञान इतना आसान था तो कोई ना कोई कंपनी बना लेती ना भाई, क्यों नहीं बनाया अभी तक किसी ने? और अगर अमेरिका में सारा ज्ञान होता तो अमेरिका वाले बना लेते, वो तो नहीं बना पाए, जापान वाले भी नहीं बना पाए। तो मतलब हमारे देश के बच्चे ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं जो कल्पनाएं दुनिया में शायद किसी ने भी अभी तक नहीं। ये आत्मविश्वास, ये विश्वास मैं आपके अंदर आज पैदा करना चाह रहा हूँ कि आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हम सिर्फ छोटी छोटी समस्याओं के बारे में नहीं, मूलभूत समस्याओं के बारे में भी सोच सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। मेरा एक अनुरोध है, जो टीचर बैठे हैं यहाँ पर, सबसे बहुत बार साइंस की एग्जीबिशन में बच्चे प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो प्रोजेक्ट कौन बनाता है? सच बताइए, कौन बनाता है? डिजाइन कौन करता है? आइडिया कौन देता है? ये हमें बंद करना है, टीचर्स नहीं बनाएंगे बच्चों के प्रोजेक्ट। मैं फिर सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, एकदम एकदम विज्ञान के सिद्धांत को दिखाना है, बच्चों की जो कल्पनाशीलता है उसके हिसाब से वो बनाएंगे दिखाएंगे, टीचर उसमें दखल ना दें अगर, तो हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा होगा, हमारे बच्चों की मौलिक सोच बढ़ेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कभी कभी उनको इनाम नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, इनाम पाना तो मकसद नहीं है, बच्चों को अच्छा वैज्ञानिक बनाना हमारा मकसद है।
अगर हमने उनकी बजाय हमने सोचा, अपने सोच दिखाई, आप तो एक अच्छे वैज्ञानिक हैं टीचर के रूप में, लेकिन उस बच्चे की वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है ना हमारा काम, तो इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए ना कि हमें बच्चों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है। बच्चों बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो अंधविश्वास हैं उनसे दूर रहना है। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं मानने हैं, कोई जादू नहीं होता, कोई टोना नहीं होता है, बिना कारण के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है। रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच, वैज्ञानिक सोच, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है ये कि एक साइंस एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना हर नागरिक के लिए जरूरी है। ये मेरा कहना नहीं है, जो संविधान इस देश का संचालन कर रहा है उस संविधान में लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। तो बच्चों बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बात ऐसी दिखे जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना है कि इसका तर्क बताइए मुझे, आप सिद्धांत बताइए कौन सा सिद्धांत है, और अगर सिद्धांत नहीं है तो मुझे नहीं विश्वास करना ऐसी किसी बात, मना कर देना है ऐसी बात, क्योंकि जो समाज पद्धति वही समाज पद्धति करता है जो वैज्ञानिक आधार पर सोचता है, वैज्ञानिक आधार पर कल्पनाएं करता है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ समुद्र में डुबकी लगाकर तैर रहा है, उसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। उसने अपने पीछे कंप्रेस्ड एयर लगा रखी थी, यानी कि हवा को दबाव के साथ भर रखा था कंप्रेस करके हवा को, और वो हवा से सांस लेता था और डाइविंग कर रहा था। अपने पिताजी को कुछ बोलना चाहता था, आवाज नहीं जा रही थी, क्योंकि पानी के अंदर आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही। बाहर आया, बोला मैं आप तो कुछ कह रहा था आपने सुना नहीं। बोला भाई मेरे को आवाज नहीं आई तेरी। बोला हमें ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जो पानी के अंदर भी संदेश को पहुंचा सके। उस बच्चे ने काम करना शुरू किया, हमने हनी बी न्यूज लेटर में छापा उसके बारे में। उसने नई कल्पना की, नई बात बनाई, नया यंत्र बनाया साइंस के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, उसको उसका पेटेंट मिल गया। तो मतलब हमारे बच्चों को, हमने तो बहुत सारे बच्चों को पेटेंट फाइल किए एनआईएफ में और सृष्टि में और ज्ञान में, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे नए नए आविष्कार कर सकते हैं और किए हैं बच्चों ने आविष्कार। कई बार क्या होता है कि हमारे विचार जो है क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते। साइंस सिटी और ग्लोबल सेंटर्स ये बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके कोई भी प्रश्न अगर हैं, विजेश में कह सकता हूँ उस बात को, कोई भी प्रश्न अगर ऐसे हैं जिनका जवाब आपको आपके स्कूल में नहीं मिल रहा, किसी वजह से आपके टीचर भी असमर्थ हैं उनका जवाब देने में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग मदद करेंगे, मिलेंगे। यहाँ पर PRL भी है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, बहुत सारे साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, और देश में पूरा देश का विज्ञान का तंत्र है, वो सब जिम्मेदार हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपको सवाल पूछना है बस, ये काम आपका। तो मतलब आधी समस्या का हल जब हो जाता है जब अच्छा सवाल आता है। तो ये नहीं सोचना है कि सवाल तो मैंने पूछ लिया लेकिन जवाब तो मुझे मालूम नहीं है, वो दिक्कत आपको नहीं सोचनी है उसके बारे में। जवाब मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो पूछना है, सवाल पूछना है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको कुछ सवाल पूछने तो आप पूछिए, और मुझे नहीं आते होंगे तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं आता इसका जवाब। लेकिन बात हो रही है वैज्ञानिक सोच पैदा करना। सवाल पूछेगा कि वैज्ञानिक सोच के बारे में, कहीं आपके मन में तो प्रश्न आ रहा है कि मैं इस तरह की जिज्ञासा को कैसे पूछूं, कैसे आगे बढ़ाऊं, उसका जवाब हम लोग दे पाएंगे, जरूर दे पाएंगे। तो कोई बच्चा अपनी सोच के बारे में, किसी ने कोई आविष्कार किया है उसके बारे में कोई बताना चाहता है, कोई नई कल्पना की है विज्ञान का, कोई नया सिद्धांत सोचा आपने, बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बेटा, so when usually when we so when rockets launch, they launch off from Earth, right? They can't again boost in space. Why is that? No, it is not true. You know that you have not heard about booster rocket. There are multi-stage rockets. Yeah.
I have heard about that. Like now in a car, if you have fuel, you can speed up anytime and you can slow down anytime. But why can't we do the same thing in the rocket? No. The point is there are several forces which are working. What the purpose of rocket? To go up. Yeah. Purpose not to come down. No. Car may we have to go back to home. Yeah. But rocket doesn't have to go home. It has to go to the target, yeah. Right? So our purpose at that time is to make sure that it follows its trajectory. And there are ways why India could achieve Chandrayaan in $79 million, जबकि दुनिया में किसी भी देश ने $1 billion से कम में नहीं किया था काम. How could India do that? Because India tried to use small booster rockets to move it from one orbit to another, and using the gravity force of the moon and the earth, they navigated in such a way that they accelerated it only as much as the gravity force of the moon could attract. तो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, कम खर्च में वो काम कर लिया तो दुनिया का कोई देश कर नहीं पाया, है ना? They used the fuel very efficiently, वरना बहुत ज़्यादा fuel लेके जाना पड़ता, हमने कम fuel में काम कर लिया by having a series of booster rockets. तो ऐसा नहीं है कि बूस्टर नहीं होते, बूस्टर होते हैं. उसको कैसे यूज किया जाए एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए, उसका बड़ा स्किलफुल तरीके से इस्तेमाल किया. एंड दैट्स हाउ वी कुड डू दैट. ऑलराइट, गुड. एनीबॉडी एल्स? और कोई सवाल? कोई टाइम देख लेना प्लीज. गो अहेड. थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था. राइट सर, इस समय हम लोगों को सबसे नीड है इस समय इस जनरेशन में है एनर्जी का. ऐसा आने वाले समय में रॉकेट लॉन्च के लिए मोस्ट प्रोबेबली फ्यूल ना बचे. उसका मेरे दिमाग में एक आइडिया था. लाइक एक हमारे पास जो रॉकेट है, एक हम लोग स्लिंग शॉट टाइप का बना सकते हैं. लाइक इस तरीके के मेरे हाथ में, मान लीजिए ये हाथ में जुड़ा हुआ है. अब मैं एक रूम में से घूमूंगा. अब मान लीजिए मुझे उस तरफ को फेंकना है, यानी कि मुझे एक टेंजेंट खींचूंगा यहाँ पे. एंड सर मैं अपने उस जो स्लिंग ये आर है उसको बहुत तेजी से रोटेट करूँगा, रोटेट करूँगा, करते जाऊँगा. एंड देन एट अ पॉइंट वहाँ पे मैं छोड़ दूंगा उसे, टेंजेंट पे वो रॉकेट जाएगा. तो सर ऐसे हम लोग अगर रॉकेट्स को, स्मॉल रॉकेट का सेटेलाइट्स को आपने प्लेस करें, सुन लो. नहीं, क्या होता है बच्चे, एनी फोर्स विच वी यूज ऑन द अर्थ टू गेट आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, वी नीड फार मोर फोर्स. यस सर. Why does the discus come down? Because of the force of the gravity, isn't it? Yes. Why doesn't it go too far? Because friction, there's a weight in it. So yes. To be able to throw something of very heavy weight, tons of it, at a tangent, you how much energy do you need? Too much. So therefore, what have our scientists done? They have used just enough energy to take it out of the our gravitational force. And then they have used the interstellar gravity and navigated a path so that the object to which it has to go, whether it is Mars or Moon, can start attracting it towards it, so that we don't have to spend much energy. Only if we have to show it the path and then it should move towards it. Yes, sir. You understand? Yes, sir. So therefore, the scientists have done a very skillful job of using the natural force of gravity that is available in every planet. Yes, sir. And interplanetary forces have to be counteracted. Only for that they use the fuel. Yes. So we cannot really use the principle that you mentioned, because the amount of energy required for that to throw anything out of the gravity is huge. Yes. And we don't need that much energy, because we have to navigate it further. Yes, sir. Right? Yes, sir. So do you think Big Bang is real? Right? Do you think Big Bang is real? Like for me, जैसे हमें बताया गया कि फोटॉन्स के अंदर लाइक क्वार्क्स जो होते हैं सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो फोटॉन्स का कुछ साइज होता होगा ना सर? देखिए ऐसा है बच्चों कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो भी हैं, एनी थिंग विच इज पार्टिकल हैज अ मेजरमेंट, करेक्ट? नाउ द डिबेट इज दैट सर्टेन पार्टिकल अपीयर लाइक अ वेव. हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, यस सर, दैट इज द रीजन व्हाई वी कांट ऑब्जर्व एंड मेजर एट द सेम टाइम. Below yes, the Planck's coefficient, we can't measure and spot it at the same time, because it's so yes, quick, not possible to observe it and at the same time measure. Yes, sir. So that is because of the at that particular level, at particular threshold, which is Planck's coefficient. So, but the sub-world atomic particle, now you have heard about the latest work that our scientists have done.
and there are studies which have shown boson was found just like boson. That and many other particles have been found like that. Yes, so the research is going on and there are people are trying to figure out whether there's something else which has remained undiscovered, because sometimes the clear movement of the particles, about the particles, is leading us to ask this question whether there is something else that is there in the universe which we have not yet understood. Yes, and that work is going on. Yes, right. सर एक और क्वेश्चन, लाइक सर ये कहा गया है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने काफ़ी समय बिलियंस ऑफ ईयर पीछे देखा, लेकिन अगर हम और उसे से दूर का ऑब्वियसली बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच अस. यस सर. लाइट ईयर्स. यस. सो व्हाटएवर वी आर सीइंग टुडे हैपेंड मिलियंस ऑफ ईयर्स. सर बट मान लीजिए उन लोगों ने कहा कि अगर हम और मैग्नीफाइंग कर सकें तो हम लोग बिग बैंग को भी देख सकते हैं. तो बट मैं क्वेश्चन इस मान लीजिए अगर आप खड़े हुए जहाँ पे बिग बैंग हुआ था and universe is expanding in this direction. ऐसा नहीं है, ये direction में थोड़ी होता है. वो हर तरह को बस ना बस मैं अगर हम लोग का टेलीस्कोप है जो कि काफ़ी मैग्नीफाइंग है सर, वो अगर इस तरह देख रहा है किसी तरफ तो बिग बैंग को कैसे देख सकते हैं, हमें कैसे पता यूनिवर्स के एक्सपेंशन डायरेक्शन कौन सी? नहीं, इट इज नॉट बाय ऑब्जर्विंग दैट मूवमेंट दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स. वी आर ट्राइंग टू लुक एट द गैसेस विच मस्ट हैव बीन दैट टाइम एंड ट्राइंग टू फाइंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नेचर ऑफ दोस गैसेस. Yes, sir. Through that we estimate. We don't visualize it. No way. How can we visualize it? Yes. But we are visualizing it by the presence of those gases. Because other galaxies are being formed. Yes, sir. And when other galaxies are being formed, we are trying to understand those processes. And then we surmise. Yes, sir. That's how we observe. That's how the dark matter was observed. Yes, sir. That is how the... Dr. Chandrasekhar ki jo theory hai na dark matter ki start. That's how it was developed and we found that there were certain things we were not able to observe anything. What happened to them? Yes, sir. And that's when we made the calculation and we got Nobel Prize for that. Yes, sir. Sir, एक personal question और था मुझे आपसे कि सर जब आपने ये साइंस की फील्ड में आया था सर, मैंने काफ़ी साइंटिस्ट से बात की एंड ऑल दे सेड कि सर उनके मोमेंट में लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आता है व्हेन दे थिंक कि हमें गिव अप करना चाहिए. लाइक सर ऐसा स्ट्रेसफुल मोमेंट का आपकी लाइफ में कभी आया कि आपको लगे नहीं अब मुझसे और नहीं हो सकता है, आई कांट टेक इट, तो सर आपने सोचा कि उस केस से आप कैसे आपने गिव अप किया एंड लाइक वर्स स्ट्रेटजी की आप हमें क्या मैसेज देते हैं सर कभी ऐसी सिचुएशन है? इट इज़ वेरी क्लियर दैट ऑल ऑफ अस हैव लिमिटेड नॉलेज. हम सबके पास सीमित ज्ञान है बच्चों. हम सब कोई भी असीमित ज्ञान का धारी असीम ज्ञान धारी नहीं है इस दुनिया में. ठीक बात है. सवाल यही है कि हमको बड़ा ईमानदारी से मान लेना चाहिए कि हम क्या नहीं जानते, और जब हम नहीं जानते तो हमें मान लेंगे तो हमको हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी. ये जिज्ञासा वाला सवाल बड़ा अच्छा है बच्चों, ध्यान रखना. मैं चार शब्द बताऊंगा आपको, बैठ जाओ. पहला शब्द है उत्सुकता. क्या है पहला शब्द? क्या है पहली बात हमें क्या सीखनी है? और उत्सुकता से क्या पैदा होता है? उत्साह. क्या पैदा होता है? उत्साह से मिलती है ऊर्जा. क्या मिलती है? और ऊर्जा से पैदा होता है उल्लास. क्या पैदा होता है? तो बच्चों जीवन में अगर उल्लास चाहिए तो पहली सीढ़ी है उसके लिए उत्सुकता. कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछना है, हो सकता है हमें जवाब सही ना मिले, हो सकता है जवाब मिला उससे हमारी उनकी जिज्ञासा खत्म ना हो, ये संभव है, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा. कई बार हम लोग देखते हैं क्लास में चार पांच बच्चे होते हैं वही सवाल उठाते हैं बस, बाकी बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं. मैं टीचर से भी अनुरोध करूंगा ये कोशिश करें कि जो बच्चे चुप भी बैठे हैं सवाल तो उनके दिमाग में भी है. देखो देयर आर क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम. सो देयर इज वन इनोवेटर कॉल्ड एज सुभाष ओला. वो अलवर के पास, अलवर नहीं ये अपना जयपुर के रास्ते में उसकी फैक्ट्री है. तो उसने क्या किया, स्टीम इंजन की बात छोड़ देते हैं, स्टीम की बात करते हैं. तो उसने क्या किया कि एक पहले जो सिस्टम था भाप से वो दूध को उबाल कर खोया बनाता था. खोया मतलब यू अंडरस्टैंड खोया? और उसमें बहुत सारा पानी खर्च होता था, हर बार नए पानी के भाप बनानी पड़ती थी. तो उसने उसको क्लोज लूप सिस्टम कर दिया, मतलब वो जो भाप निकल रही है वो हाई टेम्परेचर पर है ना, और उसमें पानी भी है. तो उसने कहा कि मैं बजाय पानी को गर्म करके भाप बनाऊं, जो भाप मेरे काम कर चुकी है उसी भाप को दोबारा से भाप बनाऊंगा, दोबारा गर्म करूंगा. तो 90% वाटर बचा लिया उसने और 60% एनर्जी बचा ली.
अब उसका जो टेक्निक है उसको क्लोज लूप सिस्टम होते हैं, जिसमें पानी वही पानी सर्कुलेट हो रहा है, वही स्टीम सर्कुलेट हो रही है। इस तकनीक से उसने बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी वो बॉयलर सिस्टम बना रहा है। तुम्हारा जो सवाल है उसी सवाल को आगे बढ़ाकर उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की। क्या नाम तुम्हारा? चैतन्य। बहुत अच्छा सवाल है चैतन्य, के लिए ताली बजाइए आपको। बहुत अच्छा सवाल है। जितने क्लोज लूप सिस्टम हम बनाएंगे एनर्जी का लॉस उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ठंडे पानी को गर्म करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और गर्म भाप को दोबारा गर्म करने में कम एनर्जी, ठीक है ना? सर, तो ये स्टीम इंजन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? करा नहीं है किसी ने, क्योंकि उसके अंदर जो थ्रस्ट चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा था, वापस उस स्टीम को लाने का कोई सिस्टम बनाया नहीं किसी ने। बट इट वॉज थियोरेटिकली पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट सर्टेनली इमेजिन दैट, ठीक है? तो बच्चों थैंक यू बच्चों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा इस समय। दो बातें और कहूंगा आपसे। एक तो मैंने कहा उत्सुकता होगी तो उत्साह मिलेगा, उत्साह होगा तो ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा होगी तो हमको, हाँ बच्चे बोलो, उल्लास मिलेगा। एक माइक दे, तुमको माइक दीजिए कोई जना, ये आगे आ जाऊँ, आगे आ जाऊँ, मैं आपका सवाल दोबारा दूंगा। हाँ सर, मेरा पहला सवाल था आगे आप ग्रेविटॉन्स के बारे में कुछ पॉसिबल है या ग्रेविटी कैसे ओरिजिनेट होता है? ये साइंस फैंटेसी की बात तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बात तो सही है कि जो पावर है मैग्नेटिक पावर जो है अर्थ के अंदर कोर के अंदर, और जो हमारा साइंटिफिक करते हैं तो उससे जो पावर पैदा होती है वो भी हमको मालूम है, लेकिन मैं ज़्यादा इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, ये विषय मेरा नहीं है। बट इसके बारे में मैं अपने ग्रेजुएशन के पी आर एल के किसी साइंटिस्ट से बात करा दीजिएगा, वो आपको समझाएंगे इसके बारे में। और एक चीज़ सर, जब हम टेलीस्कोप से दूसरे गैलेक्सीज को देखते हैं सर, लाइक हमें पता है कि यूनिवर्स का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन अगर हम गैलेक्सीज को सर, तो गैलेक्सीज एक्चुअली में एक्सपैंड होते हैं, डिस्टेंस बढ़ना चाहिए मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, दिस इज अ डिबेटेबल इशू। सम पीपल बिलीव दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड, व्हेन इट एक्सपेंड एनर्जी गेट्स रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर दे बिलीव दैट दिस आफ्टर सम टाइम दे मे नॉट बी एबल टू होल्ड ईच अदर टुगेदर। सो दिस इज वेरी डिबेटेबल इशू, हाउ मेनी मिलियन ईयर्स इट विल टेक फॉर देम टू एक्सपेंड सो मच, बट इट इज ट्रू दैट देयर इज अ हाइपोथेसिस दैट वी आर आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड। So, like there is this red wavelength, like the blue light is getting converted to red light, and the like distant universes are looking very like reddish in color. You can determine if they are very long by seeing which wavelength of light are they like releasing. So, if they're expanding, really expanding more than the speed of light, we should not be able to see any galaxies. Not only that, it's not true, because if only that light was detected, which is moving faster, then you are perception was right. But there are many other forms of light that are emerging at the same time. The one which is us will always be there, isn't it? Then they emit light. It is only the refraction process through the gases that is what you are telling me. But not everywhere the gas is there. The matter is blank. There is no gas. No, I will have to stop it. We'll have to stop now. तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू गौरतम फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू विजेश एंड ऑल द फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपसे सिर्फ इतना ही सजेशन है, इफ यू वांट टू सेंड एन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू ignitedmind@honeybee.org, ignitedmind@honeybee.org, एंड वी ट्राई टू लुक फॉर क्रिएटिव आइडियाज विच वी कैन रिकॉग्नाइज। आपको कोई नया विचार भेजना है तो आप ignitedmind@honeybee.org पे भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग में से कुछ को पेटेंट्स भी मिले। में हम लोग जैसे 850 जो प्रेजेंटेशन होगा हम लोग देखेंगे, ये सारा 850 को हम लोगों को पेटेंट के और इस तरीके से अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म में जो भी जो का इंक्यूबेशन कमेंटरी ये सारा को करके हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये इसी लेवल में खत्म नहीं होगा, लेक्चर होने के बाद इसका भी रिजल्ट लेक्चर तक आ जाएगा। सेशन बच्चे लोग आपको शायद इतना नाम नहीं होगा, प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब का नाम आप गूगल में सर्च करेंगे ना, आप भी विल बी ऑल्सो वंडर इट वन ऑफ द पायोनियरिंग फैकल्टी नॉट ओनली इन मैनेजमेंट फैकल्टी बट लॉट्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन फाउंडेशन एन आई एफ, और इसी के साथ में इनोवेशन को कैसे
करिकुलम के बाहर लेकर के गांव में जो है जो अनपढ़ लोग होते हैं जो ऐसे कोई किसी का कोई डेली हैबिट में जो होते हैं इनके लेकर के ये इनोवेशन ग्रासरूट इनोवेशन का ये एक फाउंडेशन दिया हुआ था। आप लोग छोटे ही हैं पर कैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और ये सेशन आपको जरूर याद रहेगा। एंड हमारा साइंस सिटी में जो भी प्रोग्राम होते हैं हम लोग सबको जब रिक्वेस्ट करते हैं चार बजे में आपका साइंस सिटी नहीं होगा आप मुझे इनको हमारा सेंटर को ले आइए मेरा क्लासरूम को ले आइए। जब हमारे बच्चे आई आई टी अहमदाबाद के कैंपस के होते पे पूछते हैं अंतर करते हैं इनका जो हो रहा है इनका जो वाइब्रेंसी हम इनके जो क्लासरूम में लोग जब क्लास करते हैं डॉक्टर साहब इनको डेढ़ घंटा तो कैसे खाना उतर के इनके साथ आंखों का हाथ मिला करके बात करते हैं इसमें भी कई बच्चों को तो ऐसा आंखों का फलक भी नहीं पड़ता है। एंड दैट चार्म दैट ये ग्लैमर एंड दैट द एक्चुअली रियल वे ऑफ इंटेलिजेंस वी आर थैंकफुल टू यू सर रियली ग्रेटफुल टू यू वी आर हैप्पी विद द चिल्ड्रन ऑफ ऑल लखनऊ द कंट्री एंड आई थिंक दिस सेशन विल बी आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी सर थैंक यू सर कैन यू हैव